हाँ, और कमाल की बात यह है कि अभी अभी बात की जा रही है कि सबका मत एक है, सबको मिल बैठकर बात करनी चाहिए। आप फिलिस्तीन की बात छोड़िए वरुण पुरोहित जी, यहां तक कि जब नसरल्ला मारा गया, याया शिनवार मारा गया, तो लोग सड़कों पर निकल गए, कहने लगे कि ये बहुत बड़ा आतंकी हमला कर दिया है। याया शिनवार को आखिर क्यों मार दिया? वो आदमी जो कि हत्यारा था, उसके मानवाधिकार की हमारे देश में बातें हो रही थी, पर कनाडा के हिंदुओं के मानवाधिकार की बात नहीं। ट्वीट किया क्या? नहीं, ट्वीट किया क्या? किसके लिए? नसरल्ला के लिए मोदी जी क्यों ट्वीट करेंगे? ईरान के साथ, हम ईरान के साथ तो रिश्ते बना रहे हैं। अगर ईरान के साथ नसरल्ला के साथ थोड़ी ना है। उसी के तो, अरे सुनिए, वो उसी के तो बोलने दो भाई, लोग हैं कौन? हिजबुल्लाह की बात जी, मेरे से पूछ रहे हो कि मिनसे पूछ रहे हो बार-बार? अरे दानिश कुरैशी आपको बोलने नहीं दे रहे, दानिश कुरैशी आपको बोलने नहीं दे रहे। मेरा सवाल तो आप ही से था वरुण जी, कि नसरल्ला के भी हिमायती मिल जाएंगे, याया शिनवार के भी हिमायती मिल जाएंगे, पर जब कनाडा के लोगों की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, तो कहते हैं कि अरे एक मीटिंग कर लेते हैं, अभी ट्वीट आएगा, इंतजार कीजिए 2-3 साल। क्यों? वरुण जी भी तो ये कह रहे थे कि ट्वीट आ जाएगा, आप चिंता मत करो। गांधी की ट्वीट की बात की थी पहले, ये लो, अब ये तो बोले जाएंगे, मैनर्स तो किसी में रही नहीं, फिर कहते हो हम हिंदू हिंदू। बोलिए बोलिए, पटियाला के गांधी को बोलो ना, आप भी तो हिंदू है ना, आप कहते हो बार बार मैं भी हिंदू हूं। अरे पटियाला ना, कितनी बार बोलूं आपके कान में आके बोलूं क्या? कितनी बार बोल चुका मैं उस पे? मेरे कान पे मैं सुन रहा हूं। कितनी बार बोल चुका? या आप लिख के दोगे जो बोलूंगा मैं? क्या? अरे बताओ ना राहुल गांधी, सुन रहा हूं तो कान साफ करके आया करो, तेल डाल के। तेल डाल के साफ करके आना रात को, सुबह कल सुन लेना, बोल चुका मैं उस पे। राहुल गांधी क्यों टाइम खराब कर रहे हो सैटेलाइट का, गांधी के बकवास पर? ये देखो आप देश विरोधी एजेंडा चलाते हो, सरकार के लोग, मेरी यही समझ नहीं आ रहा। अरे वरुण पुरोहित, कम से कम अपने नाम में से पुरोहित हटा लो। नहीं नहीं नहीं, देखिए पर्सनल कमेंट्स किसी पे नहीं, पर्सनल कमेंट्स किसी पे नहीं, बकवास करने की जरूरत नहीं टीवी के ऊपर मेरे से, पर्सनल कमेंट्स किसी पे नहीं। वरुण जी, बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे से, विनोद बंसल जी। वरुण जी, वरुण जी फिर से वापस ट्रैक पे, उल्टा लटका देता हूं मैं खेलने के पेड़ से, मेरे से बकवास की तो उल्टा नहीं लटकाएगा। देखिए देखिए, एकदम शालीनता से डिबेट चल रही है और हम उसको वैसे ही क्या बकवास कर रहे हैं, आदमी के सरनेम पे प्रश्न उठा रहा है आदमी, रोक दिया ना आदमी बिल्कुल। चलिए वापस मुद्दे पे आइए, वापस मुद्दे पे आइए, नसरल्ला के लिए रैली, याया शिनवार के लिए रैली, प्रियंका गांधी के ट्वीट की आपने बात करी, कनाडा पे चुप्पी। मेरी बात तो सुन लो, प्रियंका गांधी के ट्वीट की आपने बात की, प्रियंका गांधी की संवैधानिक अभी कोई भी हस्ती नहीं है, जब सांसद हो जाए जब आप उसे प्रश्न कर सकते हो, खड़गे जी या राहुल गांधी एलओपी हो गए उनके प्रश्न करते हो, मैं उसको मानता हूँ, आप पत्रकार हो प्रश्न कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए। आपने याया शनिवार की बात की, देखिए वो बिल्कुल मैं उसको कंडेम करता हूँ, विदेशी धरती पर किसी का भी कुछ होता है उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ तक फिलिस्तीन की बात मैंने करी थी, फिलिस्तीन और इराक यानी कि सद्दाम हुसैन हमारा जब साथ दिया जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, इसलिए दोनों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन इसराइल आज की जियो कंडीशन जो है उसमें इसराइल फिलिस्तीन सबको बैलेंस करने की आवश्यकता हुई ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो मैंने कभी प्रश्न नहीं उठाया भाई, विदेश मंत्रालय जिस हिसाब से काम मैंने शुरुआत में कहा जैसे कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस होंगी वैसे बात करेंगे हर बात में। जब हिंदुओं की बात होती है तो सब कुछ जियोपॉलिटिक्स पे आके क्यों अटक जाता है? राहुल गांधी, जब हिंदुओं का ही मुद्दा होता है तो सब लोगों की चिंता जियोपॉलिटिक्स की भारत सरकार का स्टैंड, फिलिस्तीन भी तो जियोपॉलिटिकल मुद्दा ही है ना, इजराइल और फिलिस्तीन को बैलेंस करने की जरूरत है, वहां पे तो आर्टिकल लिखने से कोई नहीं रुकता, वहां सारी जियोपॉलिटिक्स कहां चली जाती है? मैं कनाडा की बात पे आ रहा हूँ ना, कनाडा बांग्लादेश अलग इशू है, कनाडा में जो हुआ है उसको अपन हिंदू हिंदू कह रहे हैं, कई लोग भारतीय भी बोलने लग गए मेरे बोलने के बाद, अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय शब्द का उपयोग करें ज्यादा उचित होगा, भारतीय मंदिरों, भारतीय लोगों पर कहीं भी अटैक होता है तो पूरा देश एक खड़ा है, एक सुर से खड़ा है, और जो भारत सरकार का स्टैंड होगा उसके साथ खड़ा है। अब ये शुरू कर देंगे, राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, सुर सुनाई देने चाहिए, ये गांधी परिवार से प्रदुम्जा जी, ये मन की बात मन में रख के नहीं चल सकता ना, कि हम मन में निंदा करते हैं पर बोलने से डरते हैं। अगर आप भाई निंदा कर ही रहे हैं तो खुल के कीजिए ना, यही सवाल आ जाता है फिर कि बोलने से आपको क्या रोक रहा है? खुल के ही कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट पे नहीं बोलेगी कांग्रेस। उल्टा प्रोफेसर जुनैद हारिस, यहाँ सबसे सबसे ज्यादा दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और ह्यूमैनिटी में फर्क यही होता है, रेप्लिका नहीं है बीजेपी की कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड, बीजेपी चाहेगी वो लिख लिख के बोलेंगे, समझने की आवश्यकता है। पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड प्रोफेसर जुनैद हारिस से पूछना चाहती हूँ, हमारे देश में कुछ लोग या तो बोलने से डर रहे हैं या उनको जरूरी नहीं लगता, पर कनाडा में खड़े होकर के एक मुस्लिम आदमी हिंदुओं के सुर में सुर मिला रहा है, और सुनिए वो क्या कह रहा है, मैं एक बार चाहती हूँ कि सब लोग सुने उसकी बात। इनका नाम है सलमान सीमा,
ये ईरान से आते हैं और ये हिंदुओं के साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको सुरक्षा दी जाए, आपके मानवाधिकार के लिए मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा। हमारे देश में लोग क्यों ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या कुछ लोग नहीं जुटा पा रहे? यहाँ के राहुल के गुरु के पर ये वरुण यहाँ हिंदुओं को धमका रहे हैं, आप देखिए ना, ये अंतर है भारत में और भारत के बाहर। एक सेकंड विनोद जी, ये प्रोफेसर जुनैद हारिस से सवाल था, प्रोफेसर हारिस। नहीं लेकिन 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 ये वरुण 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 गुरु से बोला माफी मांगे, इसने जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो ठीक नहीं है। विनोद जी एक एक करके, एक एक करके करता हूँ, जो मारने की धमकी दे रहा है ना, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको, टांगने की धमकी दे रहा है। ठीक है, एक सेकंड विनोद जी, वापस आऊंगी आपके पास। एक बार प्रोफेसर जुनैद हारिस को सवाल का जवाब दे दे। प्रोफेसर हारिस, अगर सलमान सीमा पहुंच रही है या नहीं, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। अच्छा, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो मैं बहुत क्लियर शब्दों में इस बात को कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा गलत है किसी भी धार्मिक स्थल पर या धर्म के आधार पर किसी पर भी अटैक करना, जिसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट इस सिलसिले में अगर कुछ भी करने की पोजीशन में है, कर रही है, वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि बात कायदे की बात तो ये है कि मंदिर ही का मामला नहीं है, गुरुद्वारे पर भी अगर होता, मस्जिद पर भी होता, चर्च पर भी होता तब भी, लेकिन इस वक्त चूंकि मंदिर पर ही हमला हुआ है, हम पूरी तरीके से उन लोगों के साथ खड़े हैं जो के इस वक्त मजलूम है और उनको मजहब की बुनियाद पर टारगेट किया गया है, और ये बहुत ही गलत है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ये एक तरीके से एक कलंक के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जो स्टैंड आप खोल करके ले पा रहे हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं ले पा रही, क्या मजबूरी? नहीं, इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियां तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो मैं उनकी मजबूरियां नहीं समझ सकता हूँ। मैं ये जरूर समझता हूँ इस्लामिक स्टडीज के तालिबे इल्म होने की हैसियत से कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं नहीं कह सकता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं बोल रही। बताइए।